तो वो जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे उनके मदद से पहले तो एप्रिसिएशन को प्लॉट करो, यानी कि वो जो पॉइंट्स दिए उनके आंसर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में लिख के निकालो। उसके बाद आपका एक रफ एप्रिसिएशन जो है वो पॉइंट फॉर्म में रेडी हो जाएगा। अब उस पॉइंट फॉर्म वाले एप्रिसिएशन को पैराग्राफ वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुकेटर में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ पोयम के बारे में जानेंगे। जी हाँ, आपका इंग्लिश का पेपर आ रहा है और इंग्लिश के पेपर में एप्रिसिएशन ऑफ पोयम पूछा जाएगा, जिसको लिखना अनिवार्य है, बट हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरह से लिखना है। इसी चीज के लिए आज की वीडियो में मैं एप्रिसिएशन ऑफ पोयम के बारे में सारा सब कुछ बताऊंगा, सारा सब कुछ। कौन से क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से लिखना है, और लास्ट में एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा लिख के, एग्जांपल की मदद से भी समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए या फिर आपको पता चल जाए किस तरह से एप्रिसिएशन को लिखा जाता है। ये सारे सब कुछ जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज बता दूं, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और 5 में 5 आपको मिल सकते हैं इजीली। तो अगर आपके दिमाग में ये बैठा है कि एप्रिसिएशन डिफिकल्ट होगा, किस तरह से लिखा जाएगा, ये सारा सब कुछ निकाल लो, आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। बट दो ही चीजें करनी है आपको 5 मार्क्स लाने के लिए। कौन सी दो चीजें? सबसे पहले चीज, एप्रिसिएशन वाला जो ये वीडियो है इसको लास्ट तक देखिएगा, देखने के बाद इसको समझिएगा एप्रिसिएशन होता क्या है, किस तरह से लिखना है, किस तरह से प्लॉट करना है। एक बार अगर आप समझ लेते हो ना, तो इसके बाद आप खुद 2 से 3 एप्रिसिएशन ऑफ पोयम को प्रैक्टिस कीजिएगा अभी बैठ के। उसके बाद देख लेना, जब पेपर में एप्रिसिएशन पूछा जाएगा ना, इजीली आप लिख पाओगे और रिजल्ट्स के बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको एप्रिसिएशन में पूरे के पूरे 5 मार्क्स जो है वो मिल चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले एप्रिसिएशन पूछा कहा जाता है। एप्रिसिएशन आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3B में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3B, याद रखना 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, कितना? 5 मार्क्स के लिए। सेकंड पॉइंट, आपके टेक्स्ट बुक से एक पोयम दिया होगा अलोंग विद सम पॉइंट्स। अब आप ही के टेक्स्ट बुक में से, मतलब आप ही के जाने पहचाने वाले पोयम में से ही एक पोयम को दिया होगा। अब वो पोयम के साथ साथ एंडिंग में कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, जिनके थ्रू या फिर जिनके मदद से आपको एप्रिसिएशन लिखना है। अब उनके मदद से एप्रिसिएशन कैसे लिखे, ये मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, उन पॉइंट्स की मदद से आपको एप्रिसिएशन को सबसे पहले प्लॉट करना है और उसके बाद फाइनल पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। तो वो जो पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे उनके मदद से पहले तो एप्रिसिएशन को प्लॉट करो, यानी कि वो जो पॉइंट्स दिए उनके आंसर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में लिख के निकालो। उसके बाद आपका एक रफ एप्रिसिएशन जो है वो पॉइंट फॉर्म में रेडी हो जाएगा। अब उस पॉइंट फॉर्म वाले एप्रिसिएशन को पैराग्राफ वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जो पॉइंट फॉर्म में लिखा है उसको पैराग्राफ में करने के लिए कुछ बीच में एडिशनल सेंटेंसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे, जिसके मदद से आप पैराग्राफ बना लोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल पढ़ के दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ पढ़ के या फिर समझा के, जिसके मदद से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एक्चुअली पॉइंट फॉर्म में लिखना है और उसको किस तरह से पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी देख ले। ओके, सबसे पहले, द पोयम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ये आप ही के टेक्स्ट बुक में का एक पोयम है, ठीक है। अब उसके बाद जो पॉइंट्स आपको दिए, कौन से पॉइंट्स है, ध्यान से देखना। द टाइटल ऑफ द पोयम, द पोएट, राइम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड थीम, या फिर सेंट्रल आइडिया, जो भी है आपका। ओके, अब इन पॉइंट्स के आपको आंसर जो है पहले दे दो। रफ फॉर्मेट बनाना है ना आपको, मैंने बोला प्लॉट करना है, उसको प्लॉट करो। किस तरह से प्लॉट करना है, जैसे कि द टाइटल ऑफ द पोयम क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, सिंपल है। सेकंड बोलता है द पोएट, पोएट कौन है इसका, जॉन कीट्स। थर्ड, राइम स्कीम क्या है, AA BB, जिसको हम लोग राइमिंग कपलेट्स भी बुलाते हैं। थर्ड पूछा है फिगर्स ऑफ स्पीच, क्या क्या फिगर्स ऑफ स्पीच है, एपिग्राम, मेटाफर एंड एंटीथेसिस। 3 फिगर्स ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे पता चल रहे हैं पोएम में यूज किए गए हैं। सिंपल सिंपल लिख रहा हूं मैं सबसे पहले आंसर्स। उसके बाद थीम है, फिर सेंट्रल आइडिया क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अनएंडिंग प्लेजर एंड कैन चेंज आवर लाइव्स, ये इस पोएम का थीम है। इतना सब कुछ आपको पता चल गया, तो ये है आपका रफ प्लॉटिंग।
उसके बाद अब इसी रफ प्लॉटिंग की मदद से आपको फेयर पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है, और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं अभी पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा जो अपने पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखे थे उसी को आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है विथ यूजिंग सम ऑफ दी एडिशनल सेंटेंसेस। पैराग्राफ फॉर्मेट में किस तरह से लिखा है उसको ध्यान से देखो। अ पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर बाय जॉन कीट्स इज टेकन फ्रॉम अ लॉन्गर पोयम एंडीमायन बेस्ड ऑन अ ग्रीक माइथोलॉजी। द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज ए बी बी, दैट इज द पोयम इज रिटन इन द राइमिंग कपलेट्स। देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर एंड एंटीथेसिस एक्सेट्रा, बट द वन दैट स्टैंड आउट इज एपिग्राम। The line "a thing of beauty is a joy forever" is a pithy saying expressing the idea of beauty in a clever way. The important thing that the poet tells us is that beautiful things last forever and give us immense happiness, and they give unending pleasure and can change our lives. जो जो आपने पॉइंट्स में प्लॉट किया था उसके बीच में कुछ एडिशनल सेंटेंस आपके हिसाब से, आप जितना कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से सादे भाषा में आपको ऐड करना है और इस तरह से पैराग्राफ बनाना है। अब इतना जो पैराग्राफ आपने बनाया है इसी को हम लोग एप्रिसिएशन कहेंगे, और इसी को अगर आप सही से प्लॉट करते हो, सही से प्रैक्टिस करके लिख लेते हो तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब जो 5 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं वो डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स जो आपको पूछे गए, जो कि किस प्रकार है। टाइटल ऑफ द पोयम के लिए आपको 1/2 मार्क मिलेगा, सही लिखा है टाइटल तो 1/2 मार्क मिल जाएगा। द पोएट, पोएट कौन है उसके लिए आपको 1/2 मार्क मिल जाएगा। ये सारे चीजें आपको जो है वो पैराग्राफ में इंक्लूड करना है, ठीक है। वो जो रफ प्लॉटिंग दिखाया है वो नहीं लिखना आपको, आपको मेन पैराग्राफ ही लिख के आना है। ओके, सेकंड पोएट के लिए 1/2 मार्क मिल गया, गुड। राइम स्कीम, राइम स्कीम कितना है उसका, 1 मार्क के लिए राइम स्कीम। फिगर्स ऑफ स्पीच इंक्लूड किया है सही तो 1 मार्क मिल जाएगा। एंड थीम या फिर सेंट्रल आइडिया, जो पोयम का थीम है या फिर सेंट्रल आइडिया है अगर वो सही से लिख पाते हो, जो कि लास्ट पैराग्राफ में मैंने बताया भी था, तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है दैट इज फॉर 5 मार्क्स। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एप्रिसिएशन होता क्या है, कितना इजी है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, किस तरह से लिखना है। बट एक ही चीज चाहता हूं मैं, अभी जाके प्रैक्टिस करना 2 से 3 क्वेश्चन और परफेक्ट हो जाना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करके जाना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।